मैं नहीं जानती कि अल्लाह को क्या मंजूर है, लेकिन इतना तो तय है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस हादसे की कुछ यादें हमेशा मेरे पास रहेंगी, जिन्हें चाह करके भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं क्या कहूँ, तो सच है कि आज से पहले मैं दूसरे को जानती थी, सबसे अनजान थे, लेकिन ये एक एक्सीडेंट हम लोगों को इतना करीब कर दिया कि हम एक दूसरे से नज़दीक हो गए। अच्छी बात हुई कि हम इसकी सुरक्षा करें, हिफाजत करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं इतना तो तय समझूं कि इस एक्सीडेंट की कुछ मीठी यादें ही साथ लेंगे। किशोर, अरे किशोर, अरे यार फिर खो गया। हेलो किशोर भाई साहब, कहाँ खो गए? वो एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा। अरे वो एक्सीडेंट तो कब तक बीत गया, ये दूसरा एक्सीडेंट लेके तू बैठा है। नजमा भाभी, मेरे दोस्त को बचाओ। ए बकवास बंद कर, चल जल्दी जल्दी चल। बात है, चल भाई बस दो मिनट, दो चार मिनट क्या कर रहा है, बस छूट जाएगी यार। हाँ अपना इंटरव्यू डेटा वगैरह चेक कर ले। अरे हाँ यार, दूसरी किस्मत है यार, दिला नहीं तो मैं वहाँ जाकर सुनता भी इधर एक। हाँ मतलब भाभी का पता भी रख लेना। मुझे पहले से यार। अरे क्या बात है, क्या कहने हैं। चलो रात उसी के घर ठहरना है, अब क्या है। अच्छा था कि तार करने बह गया था, इसलिए पता मेरे पास। तुमको बताया वो जाते वक्त तुम लोगों से क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि जब हम लोग बाजार गए तो उसका भाई यार लेकर चला गया। एनीवे यार नो प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक मिलने का जो लुत्फ है ना वो अलग ही है। ओके डन। अरे यार यहाँ की हर बुरके वाली लड़की तुम्हें नजमा ही नजर आती है। यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते न जाने कितनी नजमाओं का दर्शन करना पड़ेगा। अब जल्दी चल, क्योंकि आज रात नजमा के घर ही ठहरना है। अच्छा समझे कि नहीं? चल चल चल। भैया ये बस भागलपुर जाएगी ना? हाँ यार ये भागलपुर ही जाएगी। We'll be right back.
बिल्कुल नहीं। कल हम दोनों को इंटरव्यू देने जाना है, सो जब मुलाकात का इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, सो हम लोग चले हैं। क्या किशोर? हाँ बिल्कुल। कौन है बेटी? जी अब्बा जान, ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी। ओ, अच्छा 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 अच्छा। आदाब से, आदाब से। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है बेटी। अब इन लोगों का बाज़ाब्ता तारुफ करवाओ कि क्या नाम है इनका। जहां तक मुझे याद आता है कि एक बार तुमने इनका नाम बताया था लेकिन मैं भूल गया। तारुफ करवाओ भाई। जी अब्बा जान, ये है अब्दुल्ला और ये है सलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजम, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। मुझे फख्र है कि हमारे मजहब में आप जैसे लोग इस तरह की खिदमत कर रहे हैं। वरना जरा सोचिए, जरा महसूस कीजिए कि सारे आलम में जिस तरह इस कुरान को बदनाम किया जा रहा है, और जब तक आप जैसे लोग मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला ये इस्लाम हमेशा जिंदा और काबिज़ रहेगा। मुझे बेहद खुशी है और मैं शायद आप लोगों के इस एहसान को जिंदगी भर न भूल सकूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह दीन की खिदमत करते रहिए, दीन इलाही की खिदमत करते रहिए, ताकि अल्लाह इसका अजर आपको दे, और इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा। बेटे, हमारी नमाज का वक्त हो चुका है। आप बेटी ऐसा करो कि इन लोगों को चाय वगैरह पिलवाओ और अम्मी जान को बुलाओ बोला, और बुलाने के बाद फिर इनको चाय वगैरह। मैं चाह करके भी आपका असली नाम नहीं बता सकती। शहर के आसपास वाले गांव में दंगा हुआ है, तनाव यहाँ भी है, ऊपर से मेरे अब्बा जान बहुत ही कट्टर हैं। मैं चाह करके भी आपका सही नाम नहीं बता सकती। वक्त ठीक नहीं है, इस मोहल्ले को छोड़कर चले जाओ। पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ। सब कुछ जानती हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं तुम लोगों की हिफाजत यहाँ नहीं कर पाऊँ। शायद कभी आप लोगों का कर्ज ना चुका पाऊं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम किसको बताएं कि हमारे अंदर सिर्फ एक इंसान रहता है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। जो जो मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा क्यों मिल रही है? जो मैंने जो किया है सजा मुझे क्यों मिल रही है?
मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, मुझे मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। देखो मेरे अंदर सिर्फ इंसान रहता है। तू तो समझता है ना भाई, तू समझता है कि नहीं समझता है।